गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय दो, प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होती है, जहां अंश एवं हर दोनों पूर्णांक हैं। यदि अंश को p तथा हर को q माना जाए तो p बटे q एक प्रमेय संख्या होगी, जहां q बराबर नहीं है शून्य के, अर्थात हर का मान कभी भी शून्य नहीं होता। यहाँ पे देखिए, हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है ऋण 3/4, ऋण 1/2, 2/8, 1/2 और 15/7। इसी तरह आप और भी संख्याओं के उदाहरण लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं q का मान शून्य क्यों नहीं होता। सोचिए, यदि q का मान शून्य हो तो क्या होगा। किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, यह अपरिभाषित है, अर्थात किसी भी संख्या का हर जो है शून्य नहीं हो सकता। इसलिए पी बटे शून्य की गणना नहीं की जा सकती और वह किसी निश्चित संख्या को नहीं दर्शाती है। अतः पी बटे शून्य एक प्रमेय संख्या नहीं है, इसलिए किसी भी प्रमेय संख्या का हर शून्य नहीं होता है। अब हम बात करते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रमेय संख्या के बारे में। धनात्मक प्रमेय संख्याएँ वे प्रमेय संख्याएँ जिनके अंश एवं हर दोनों में ही समान चिन्ह होते हैं, ऐसी संख्याएँ धनात्मक प्रमेय संख्याएँ कहलाती है। यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है 2/3, यहाँ दो अंश है और तीन हर है, दोनों के ही चिन्ह क्या है, धनात्मक है, अतः ये प्रमेय संख्या क्या होगी, धनात्मक प्रमेय संख्या होगी। इसी तरह देखिए, एक और उदाहरण मैंने लिया है 7/9, यहाँ 7 अंश है और 9 हर है, दोनों ही ऋणात्मक हैं और दोनों के चिन्ह समान हैं। हमें पता है ऋण धन होता है भाग में, अतः यह प्रमेय संख्या भी धनात्मक प्रमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं। ऐसी प्रमेय संख्याएं जिनके अंश में या फिर हर में ऋणात्मक चिन्ह होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि अंश और हर दोनों के चिन्ह अलग अलग हों, तो वे संख्याएं ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ पे देखिए, एक उदाहरण हमने लिया है 4/8, यहाँ 4 अंश है जो कि धनात्मक है तथा 8 हर है जो कि ऋणात्मक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंश एवं हर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, अतः 4/8 एक ऋणात्मक प्रमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं का प्रमेय संख्या के रूप में निरूपण। हम सभी पूर्णांक संख्याओं को प्रमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कुछ पूर्णांक संख्याएं लिखा है 4, 8, 11, 3, 7 इत्यादि। इन संख्याओं के नीचे अर्थात उसके हर में हम एक लिखकर इन संख्याओं को प्रमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, हमने लिखा है 4/1, 8/1, 11/1, 3/1 तथा 7/1। ये सभी अंश बटे हर के रूप में है, अर्थात प्रमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि इनके अंश तथा हर दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए सभी पूर्णांक प्रमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुल्य प्रमेय संख्या के बारे में। वह प्रमेय संख्या जिनका सरलतम रूप समान होता है तुल्य प्रमेय संख्या कहलाती है। हम किसी भी संख्या को तुल्य प्रमेय संख्या में बदलने के लिए उसके अंश तथा हर में यदि समान संख्या से गुणा अथवा भाग करते हैं तो हमें प्रमेय संख्या का तुल्य प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया है 1/2, ठीक है, उसमें मैंने शुरू में क्या किया है, दोनों के अंश तथा हर में 2 का गुणा किया तो मुझे मिला 2/4। फिर मैंने उसके अंश तथा हर में 3 का गुणा किया तो मुझे मिला 3/6। फिर देखिए, मैंने उसके अंश तथा हर दोनों में ही 4 का गुणा किया तो मुझे मिला 4/8। फिर देखिए मैंने 5 का गुणा किया है दोनों में, अंश तथा हर में, तो मुझे मिला 5/10। तो हम क्या कहेंगे कि 2/4, 3/6, 4/8 तथा 5/10 किसके तुल्य है, प्रमेय संख्या 1/2 के तुल्य है। यदि प्रमेय संख्या ऋणात्मक हो तो भी उस संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर हम तुल्य प्रमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्रमेय संख्या लिया है, ऋणात्मक प्रमेय संख्या 1/3, इसके मैंने अंश तथा हर दोनों में ही 2 का गुणा किया
तो मुझे मिला ऋण 2/6। फिर देखिए मैंने उसके अंश तथा हर दोनों में ही 3 का गुना किया तो मुझे मिला ऋण 3/9। फिर देखिए मैंने उसके अंश तथा हर दोनों में ही 4 का गुना किया तो मुझे मिल रहा है ऋण 4/12। फिर देखिए मैंने इसके अंश तथा हर दोनों में ही 5 का गुना किया है तो मुझे मिला ऋण 5/15। ये सभी तुल्य है ऋण 1/3 के। देखिए यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है, उसमें पहली जो संख्या है 2/5 उसके मैंने तुल्य प्रमेय संख्या निकाल कर लिखी हूँ तो मुझे क्या मिला है 4/10, 6/15, 8/20 तथा 10/25। इसी तरह आप बाकी संख्याओं के भी तुल्य प्रमेय संख्या निकाल कर सारणी में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रमेय संख्या के सरलतम रूप के बारे में। प्रमेय संख्या P/Q सरलतम रूप में होती है यदि P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। यदि अंश और हर में गुणनखंड निकालकर सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड से अंश तथा हर को भाग दे दिया जाए तो प्रमेय संख्या अपने सरलतम रूप में प्राप्त हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रमेय संख्या लिया है 28/35। यहाँ पर 28 जो है अंश है तथा 35 हर है। 28 कौन कौन से संख्याओं से भाग जाता है? 2 से, 4 से, 7 से और 14 से। ये जो हैं 28 के गुणनखंड कहलाते हैं। उसी तरह से 35 कौन कौन से संख्याओं से भाग जाता है? 5 और 7 से। इसे हम 35 के गुणनखंड कहते हैं। अब इन गुणनखंडों में आप देखिए 7 जो है दोनों में उपस्थित है, इसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। अर्थात हम 28/35 को उसके अंश और हर को 7 से भाग देंगे तो हमें उसका सरलतम रूप प्राप्त होगा जो कि हमें मिलता है 4/5। देखिए बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक क्रियाकलाप बनाया है, उसका पहला वाला देखिए 45/54, इसका मैंने हल करके लिखा हुआ है जो कि मुझे मिला है 5/6। इसी तरह आप बाकी संख्याओं के भी सरलतम रूप निकालेंगे और सारणी में लिखेंगे। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न बनाए हैं। सवाल नंबर पहला देखें, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं प्रमेय संख्याएं हैं? पहला है 3/1, ऋण 4/7, ऋण 28, 26/0 तथा ऋण 5। सवाल नंबर दूसरा देखिए आप, निम्नलिखित संख्याओं को प्रमेय संख्या के रूप में लिखिए। पहला देखिए ऋण 5 है, दूसरा 6, तीसरा है 13, चौथे नंबर पर है ऋण 18 तथा 20। सवाल नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के 3-3 तुल्य प्रमेय संख्याएं लिखिए। 1/2, ऋण 4/3, ऋण 5/2, 6/7 तथा 3/4। सवाल नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। पहला देखिए क्या है, 15/25, 4/20, ऋण 26/48 तथा ऋण 35/54। बच्चों ये प्रमेय संख्या का पहला भाग था, दूसरे भाग को हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।